हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमान नगर फ्रॉम अरम इंस्टीट्यूट। आज इस वीडियो में जितने भी सीएस एग्जीक्यूटिव वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए सर असेसमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म एलएलपी एओपी और बीओए इनके क्वेश्चंस करेंगे। सर पास एग्जाम के पूरे क्वेश्चंस कवर करेंगे। जैसे ही वीडियो खत्म होगी सर लाइव जाएंगे, मतलब वीडियो खत्म होगी अपलोड हो जाएगी, उसके बाद सर मैं आपके साथ यही पीडीएफ कहाँ पर शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम पे। पर आपसे एक रिक्वेस्ट है सर, जितनी भी मैंने पास एग्जाम्स की वीडियोस डाली है सर अभी तक पूरे सीएस एग्जीक्यूटिव वालों के लिए पूरी एक प्लेलिस्ट है सर, आप उन वीडियोस को देखना, पसंद आए तो प्लीज लाइक करना। इससे क्या होगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि नहीं यार कहीं ना कहीं सीएस वालों को इससे हेल्प हो रही है, तो सर मैं और भी सीएस वालों के लिए बहुत सारी चीजें ट्राई करूंगा जो मैं हेल्प कर पाऊं। तो प्लीज इसे फ्रेंड्स तक शेयर करना और याद रखना सर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखना सर, क्योंकि आगे अभी बहुत बचा है, आगे जीएसटी भी और आगे और भी चैप्टर्स है। चलो सर टाइम वेस्ट नहीं करते, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो देखो सर क्या बोल रहे हैं पास एग्जाम के क्वेश्चन। प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर बाय पार्टनरशिप फर्म 1,40,000 मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेम्यूनरेशन डिडक्टेबल फ्रॉम द प्रॉफिट इज। सर हम पढ़ क्या है, मैक्सिमम कितना होता है सर 1,50,000, पहले 3 लाख तक, फर्स्ट 3 लाख में बुक प्रॉफिट का 1,50,000 और 90% ऑफ बुक प्रॉफिट विच एवर इज हायर, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेम्यूनरेशन डिडक्टेबल फ्रॉम प्रॉफिट कितना होगा सर। मैक्सिमम तो 1,50,000 ही होगा सर, क्योंकि सर पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट कितना है 1,40,000, तो 1,40,000 का 90% करोगे, 1,40,000 का 90% ये आ रहा है सर 1,26,000 और 1,50,000, दोनों में विच एवर इज हायर, तो हायर कितना है सर 1,50,000। समझ आया, बैठा दिमाग में, सिंपल। आगे देखो अगला क्वेश्चन। अंडर द इनकम टैक्स एक्ट पार्टनरशिप फर्म इज चार्ज टू टैक्स। सर पार्टनरशिप फर्म के ऊपर क्या 30% टैक्स है, यस सर। क्या एएमटी 18.5 है, यस सर। आगे देखो, अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिसीव बाय पार्टनर फ्रॉम अ पार्टनरशिप फर्म इज चार्जेबल अंडर द हेड। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात कर रहे हैं, ध्यान से देखना सर, जो भी पार्टनरशिप फर्म से पार्टनर को इनकम होती है सर, क्या वो पीजीपी में टैक्सेबल हो जाती है, यस सर वो पीजीपी में टैक्सेबल होती है, ठीक है। आगे देखो, अ नॉन प्रोफेशनल फर्म ब्राइट हैज नॉन बुक प्रॉफिट ऑफ 9,36,000 एडमिसेबल रेम्यूनरेशन ऑफ द वर्किंग पार्टनर। सर आपसे पूछ रहे कितना एडमिसेबल रेम्यूनरेशन है, तो सर 9,36,000 इसमें से सर पहले 3 लाख कटा दो, क्योंकि फर्स्ट 3 लाख में तो सर अपन पढ़ के आए सर, या फिर 1,50,000 और 90% ऑफ 3 लाख, दोनों में विच एवर इज हायर होता है सर, और विच एवर इज हायर कितना होता है हमेशा, कितना आएगा सर 2 लाख सर, अरे यार हमेशा हायर कितना आ जाएगा सर, हायर आपका आएगा सर 2,70,000, इसको माइनस किए तो ये आ गया 6,36,000, ये ज्यादा जीरो है सर, ये जीरो ज्यादा हो गए, अरे ठीक है 6,36,000 इसका कितना होगा सर, इस बैलेंस में अपन 60% करते तो 6,36,000 इसका 60% आ रहा है सर 381,600, इन दोनों को ऐड कर लो प्लस 2,70,000 ये आ जाएगा सर 651,600, सिंपल। ये देखो सर 651,600, समझ आया। आगे देखो, व्हेन एन एलपी हैज अ बुक प्रॉफिट ऑफ 6 लाख द मैक्सिमम अमाउंट अलाउएबल टुवर्ड्स द सैलरी ऑफ अ वर्किंग पार्टनर, फिर निकालना पड़ेगा सर 6 लाख, सेम जैसे अभी करके आए थे सर 6 लाख में से पहले तो 3 लाख कटा लो, अरे यार 6 लाख में माइनस 3 लाख वो हटा दो, क्योंकि 3 लाख में तो फिक्स है सर 2,70,000 आना ही है, विच एवर इज हायर में बचा 3 लाख, उसका 60% कर लोगे तो 1,80,000, तो 1,80,000 आ जाएगा बचे हुए 3 लाख का, ये 60% और ये 90%, दोनों को ऐड किए सर प्लस 2,70,000 ये आ जाएगा सर 4,50,000, ये लो सर 4,50,000 मैक्सिमम रेम्यूनरेशन पेबल अलाउएबल सर। आगे देखो, व्हेन अ पार्टनरशिप फर्म हैज अ टोटल सेल्स ऑफ 90 लाख द मैक्सिमम अमाउंट डिडक्टेबल एज सैलरी ऑफ अ वर्किंग पार्टनर ऑन द बेसिस ऑफ प्रिजम्प्टिव इनकम डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 44AD।
सर अगर आप 44AD क्लेम कर रहे हो तो सर क्या आपको अमाउंट ऑफ सैलरी डिडक्टेबल अलाउड है? नो सर, अलाउड ही नहीं है। सेक्शन 40 सबसेक्शन बी की डिडक्शन आप क्लेम नहीं कर पाओगे अगर आप 44AD क्लेम कर रहे हो पार्टनरशिप फॉर्म के केस में। सर सैलरी निल हो जाएगी, निल, क्लेम ही नहीं कर पाओगे। आगे देखो सर, अगला, फ्रॉम द टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू LLP इज ट्रीटेड एज। सर LLP को क्या हम जनरल पार्टनरशिप फॉर्म के सेंस में जैसे ट्रीट करते हैं? यस सर, फ्रॉम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू, याद रखना सिर्फ टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, नहीं तो LLP तो सर एज अ बॉडी कॉर्पोरेट होती है। आगे देखो, द बुक प्रॉफिट ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म इज 1,20,000, ठीक है। द एक्चुअल रेमुनरेशन पेड टू द वर्किंग पार्टनर इज 3,50,000। अमाउंट द अलाउएबल डिडक्शन अंडर 40B, तो सर निकाल लेते हैं 1,20,000 का बुक प्रॉफिट है, ठीक है, ये तो दिया हुआ ना सर आपको, वो दिया हुआ है बुक प्रॉफिट, बुक प्रॉफिट ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म 1,20,000 और द एक्चुअल रेम्यूनरेशन पेड है 3,50,000, तो बुक प्रॉफिट जितना भी दिया हुआ है इसका 90% और 1.5 लाख, दोनों में विच एवर इज हायर करोगे तो कितना आ जाएगा सर 1.5 लाख। तो मैक्सिमम अलाउएबल रेम्यूनरेशन कितनी है सर 1,50,000, भले ही ये ज्यादा दिया है बट अलाउ कितना होगा 1,50,000, समझ आया? आगे बढ़ते सर, व्हेन अ नॉन डोमेस्टिक कंपनी इज अ मेंबर इन एन AOP एंड इट्स शेयर ऑफ अ प्रॉफिट इज इनडिटर्मिनेट, द टैक्स ऑन द टोटल इनकम ऑफ द AOP इज चार्ज एट द रेट ऑफ। सर देखो, अगर नॉन डोमेस्टिक कंपनी है तो सर फॉरिन कंपनी हो गई, अगर फॉरिन कंपनी है तो रेट एप्लीकेबल टू द, जो कंपनी के ऊपर रेट एप्लीकेबल होगा वही रेट से AOP की भी इनकम क्या हो जाएगी, टैक्सेबल, अगर शेयर डिटर्मिनेंट नहीं है। अगर शेयर डिटर्मिनेंट होता तो अलग अलग रेट चार्ज करते, बट यार शेयर डिटर्मिनेंट नहीं है। आगे देखो, सैलरी रिसीव बाय पार्टनर फ्रॉम हिज पार्टनरशिप फर्म इज कंसीडर्ड इन हिज पर्सनल, सर वो PGP में जाता है, ये हम पढ़ चुके हैं। अ पार्टनरशिप फर्म एंड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 6,20,000 बिफोर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 15%। सर मैक्सिमम इंटरेस्ट 12% अलाउड है, 15% नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, एंड अ वर्किंग पार्टनर सैलरी ऑफ 1,80,000 एज पर द डीड ऑफ द पार्टनरशिप, टोटल इनकम ऑफ द फर्म चार्जेबल टू टैक्स विद द, पूछ रहा है सर। तो देखो सर, सिंपल सी बात है, अपन यहाँ पर लिखते हैं ये, देखो सर 6 लाख, अरे यार सॉरी सर, सर देखो ये है 6,20,000, ठीक है, बिफोर डिडक्टिंग है, तो सर ये हमें सर 15% तो अलाउ नहीं होगा, डिवाइडेड बाय 15 × 12 करोगे तो ये आ जाएगा सर 1,20,000, ये आपको 1,20,000 का सर इंटरेस्ट अलाउड हो गया, इंटरेस्ट माइनस करे तो 6,20,000 माइनस 1,20,000 ये आ गया सर 5 लाख, ये आपका बुक प्रॉफिट आ गया, ठीक है। अब इसमें रेम्यूनरेशन निकालना है, तो पहले 3 लाख तक तो 90% है, तो 2,70,000, तो वो पहले 3 लाख तक 2,70,000 फिक्स्ड है, बचा जो 2 लाख है उसका 60%, नेक्स्ट 2 लाख का 60% करेंगे तो आ जाएगा सर 1,20,000, तो ये दोनों को ऐड कर लो तो सर मैक्सिमम रेम्यूनरेशन अलाउएबल कितनी है 3,90,000। इसने कितने का रेम्यूनरेशन दिया है, इसने तो 1,80,000 का दिया है, वेरी गुड, तो 1,80,000 अपन माइनस कर लेंगे सर इसमें से, तो ये आ जाएगा सर 3,20,000। अब एक स्टूडेंट के मन में डाउट आया, सर मान लो अगर इसने रेम्यूनरेशन 5 लाख रुपए दी होती तो हम माइनस कितना करते, मैक्सिमम 3,90,000 ही माइनस होता सर, उससे ज्यादा माइनस नहीं होता। देखो सर कितना ऑप्शन, ये रहा ऑप्शन 3,20,000, समझ आया। 12 नंबर का क्वेश्चन देखो, एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन हैज पेड टैक्स एट द मैक्सिमम मार्जिनल रेट, AOP ने कितने के हिसाब से दिया मैक्सिमम मार्जिनल रेट, यश अ मेंबर ऑफ AOP रिसीव 1 लाख एज इज शेयर ऑफ इनकम। सर शेयर ऑफ इनकम फ्रॉम एसोसिएशन ऑफ पर्सन, पार्टनरशिप फर्म या HUF, क्या ये सब एग्जेम्प्ट होती है? यस सर, ये सब पे टैक्स नहीं लगता। आगे देखो सर, इफ एन LLP क्लेम्स डिडक्शन अंडर 35AD द प्रोविजन ऑफ AMT अंडर 115JC विल अप्लाई। सर एक बात याद रखना, LLP के केस में, पार्टनरशिप फर्म के केस में और अदर नॉन कॉर्पोरेट SSEs के केस में सर वो 20 लाख की लिमिट अप्लाई नहीं होती सर, कोई लिमिट नहीं मिलती है। तो सर ये लिमिट किसको मिलती है, इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, इनको मिलती है सर लिमिट, याद रखना सर इनको मिलती है, ठीक है, इनको मिलती है, बाकी LLP को लिमिट नहीं मिलती है। आगे देखो, मतलब इसका ऑप्शन ए रहेगा। 14 नंबर देखो, सॉर्बी टेक्सटाइल्स फॉर्म इंकर्ड अ बिजनेस लॉस ऑफ 4,40,000 फॉर द असेसमेंट ईयर 2023 बिफोर अलाउंस ऑफ वर्किंग पार्टनर सैलरी, द फर्म पेड अ वर्किंग पार्टनर सैलरी ऑफ 1,20,000 टू ईच ऑफ द 3 पार्टनर।
सर अगर लॉस का केस है तो लॉस के केस में अपन मैक्सिमम कितना दे सकते हैं रेम्यूनरेशन? 1,50,000 सर, उससे ज्यादा तो रेम्यूनरेशन दे ही नहीं सकते। तो बिजनेस इनकम ऑफ द फर्म फॉर द असेसमेंट ईयर आफ्टर डिडक्शन ऑफ वर्किंग पार्टनर सैलरी इज, तो सर आप वर्किंग पार्टनर की सैलरी कितनी क्लेम कर पाओगे? मैक्सिमम 1.5 लाख। तो सर आपके पास बिजनेस लॉस कितने का है? सर 4,40,000। सर और कितना रेम्यूनरेशन क्लेम कर पाओगे? सर एक मिनट, ये यहाँ प्लस नहीं है या माइनस? माइनस रेम्यूनरेशन आप कितना क्लेम कर सकते हो सर? मैक्सिमम 1,50,000। तो सर आपका टोटल लॉस कितना आ जाएगा? सर 5,90,000। ये आपका बिजनेस लॉस आ जाएगा पार्टनरशिप फॉर्म का। तो देखो सर लॉस 5,90,000, समझ आया? आगे बढ़ते हैं। देखो द प्रोविजन ऑफ एएमटी अंडर सेक्शन 115JC आर एप्लीकेबल फॉर एन एलएलपी। सर अब भी पढ़ाया हूं सर। व्हेन द एडजस्टेड टोटल इनकम एक्सीड, सर सर ये एमसीक्यू गलत ड्राफ्टेड है, क्योंकि सर एलएलपी के लिए एएमटी के लिए कोई लिमिट नहीं है सर। वो लिमिट जो 20 लाख की है वो इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई के लिए सर, ध्यान रखना। अगला देखो, मुरली एंड कंपनी पार्टनरशिप फर्म कंसिस्टिंग ऑफ 3 पार्टनर इज एंगेज इन अ टेक्सटाइल ट्रेड। इट्स नेट प्रॉफिट बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड वर्किंग पार्टनर सैलरी टू द पार्टनर आर 9 लाख रुपीज। ओके, इसका प्रॉफिट दिया हुआ है। द पार्टनरशिप डीड डज नॉट प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओ भाई, अगर पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं करती तो आप भी उसको क्लेम नहीं कर पाओगे। इट प्रोवाइड फॉर वर्किंग पार्टनर सैलरी एट द रेट ऑफ 25,000 पर मंथ फॉर ईच ऑफ द 3 पार्टनर्स। इनकम ऑफ द फर्म आफ्टर अलाउंस ऑफ द वर्किंग पार्टनर सैलरी, तो सर निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? सिंपल तरीका सर, 9 लाख रुपए, पहले 3 लाख में तो सर 90% अपन सीख क्या है छोड़ दो, बचा 6 लाख, इसका 60% करते सर, 3 लाख का 90% 2,70,000, ये आ जाएगा 6 लाख का 60% 3,60,000। तो 3,60,000 प्लस 2,70,000 सर स्टूडेंट कैलकुलेट करेंगे ना सर, तो मैक्सिमम रेम्यूनरेशन अलाउेबल कितना आएगा सर? 6,30,000 मैक्सिमम अलाउ होगा। इसने कितना पे कर दिया सर? इसने पे किया 25,000 पर मंथ ईच ऑफ ऑल द 3 पार्टनर्स, तो ये मैक्सिमम अलाउेबल। दूसरा, इसने पे किया सर 25,000 इंटू 12 इंटू 3 पार्टनर, 25,000 इंटू 12 इंटू 3। सर इसने पे कर दिया 9 लाख, पर मैक्सिमम कितना मिल पाएगा सर? मैक्सिमम तो 6,30,000 मिलेगा सर। तो देखो सर, इनकम ऑफ द फर्म आफ्टर अलाउंस, तो सर 9 लाख माइनस 6,30,000, तो माइनस 6,30,000 सर 2,70,000 आ गया। सिंपल, आगे बढ़ते देखो। द प्रोविजन ऑफ एएमटी विल अप्लाई ओनली व्हेन द एडजस्टेड टोटल इनकम, सर किससे एक्सीड करना चाहिए? 20 लाख से। मिस्टर विजय इज अ पार्टनर इन अ टूल एंड अ कंपनी अ पार्टनरशिप फर्म इन मुंबई। ही देखो, ही रिसीव 30,000 एज शेयर ऑफ फर्म शेयर इनकम फ्रॉम द फर्म। सर पार्टनरशिप फर्म से जो इनकम का शेयर मिलता है क्या वो एग्जेम्प्ट होता है? यस सर। ही ऑल्सो रिसीव्ड एन इंटरेस्ट ऑफ 12% पर एनम ऑन द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फर्म एंड द अमाउंट बीइंग 24,000। सर क्या ये इंटरेस्ट टैक्सेबल है? यस सर, इंटरेस्ट टैक्सेबल है। इंटरेस्ट क्यों एग्जेम्प्ट है? इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट नहीं, इंटरेस्ट टैक्सेबल है। आगे देखो, राम एंड कंपनी अ पार्टनरशिप फर्म वर्कड आउट टोटल बुक प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 एट 5 लाख। बुक प्रॉफिट दे दिया 5 लाख। द फर्म एंड मेड अ पेमेंट ऑफ सैलरी ऑफ 4,60,000 ऑथराइज्ड बाय द डीड। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर, हम जो तरीका सीख क्या है वैसे ही निकालेंगे सर। 5 लाख, ठीक है, पहले 3 लाख तो 90% उस पर दिमाग ही नहीं लगाना सर, बचे 2 लाख बैलेंस पे 60%, तो सर 3 लाख का 90% 2,70,000 और 2 लाख का 60% ये आ जाएगा सर 1,20,000 और 2,70,000 सर ये आ जाएगा 3,90,000 मैक्सिमम रेम्यूनरेशन अलाउेबल। सर ये मैंने निकाला है, आप भी इसको कैलसी में निकालेंगे सर, ठीक है। तो मैक्सिमम कितना मिलेगा? 3,90,000, इतना ही मैक्सिमम रेम्यूनरेशन मिल सकता है। आगे देखो, DJPA, अबे नाम तो देखो, DJPA LLP रेसिडेंट इन इंडिया हैज रिसीव डिविडेंड ऑफ 15 लाख फ्रॉम आर लिमिटेड एन इंडियन कंपनी। द अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल बाय DJPA LLP। सर LLP के केस में सर अगर डिविडेंड इनकम हो रही है
तो सर ये डिविडेंड इनकम सर क्या एलएलपी में फ्लैट 30% टैक्स है? यस सर। तो 15 लाख, अबे 15 लाख, हाँ 15 लाख इंटू 30% 4.5 लाख प्लस 4% भी करेंगे सर, प्लस 4% यार सर 4,68,000 सर। एलएलपी को अगर डिविडेंड की इनकम होगी तो सर उसका टैक्स पेबल कितना आ जाएगा? 4,68,000। याद है ना एलएलपी में फ्लैट 30% है जो पार्टनरशिप फॉर्म में होता है। आगे देखो, टैक्स शैल बी चार्ज ऑन द टोटल इनकम ऑफ द एओपी एट द मैक्सिमम मार्जिनल रेट अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 167B ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट वेयर द इंडिविजुअल शेयर ऑफ द मेंबर ऑफ द एसोसिएशन और बॉडी आर इनडिटरमिनेबल और अननोन इन रिलेशन टू होल ऑफ द बिजनेस सॉरी होल ऑफ द इनकम। यस सर, ये तो सही बोल रहे हैं सर। जहां पर शेयर डेफिनेट ही नहीं है और मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स से ज्यादा इनकम है तो सर मैक्सिमम मार्जिनल रेट के बेसिस में एओपी के ऊपर टैक्स लगता है। आगे देखो, वेयर द मेंबर्स शेयर इक्वली, नहीं सर ऐसे तो कोई पॉइंट ही नहीं पड़े। वेयर द इंडिविजुअल शेयर ऑफ द मेंबर ऑफ एन एसोसिएट और बॉडी आर इनडिटरमिनेबल और अननोन रिलेटिंग टू एनी पार्ट ऑफ द इनकम, या तो होल या एनी पार्ट ऑफ इनकम, सर इससे कोई फर्क पड़ता है? नहीं सर, अगर उनका शेयर इनडिटरमिनेबल है अननोन है तो सर क्या ये दोनों ऑप्शन सही है? यस सर। आगे बढ़ते हैं, राम एंड कंपनी अ पार्टनरशिप फर्म वर्कड आउट ऑफ अ टोटल बुक प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 एज 6 लाख एंड हैज मेड अ पेमेंट। सर अभी सेम क्वेश्चन देखो सर, रिपीट होते हैं सीएस में, रिपीट होते हैं क्वेश्चन, तो प्रैक्टिस करके जाना जरूरी है सर, एक बार देख के जाना जरूरी है आपका। राम एंड कंपनी कंस्टिट्यूटेड टू पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली डिक्लेयर्ड नेट लॉस ऑफ 20,000 आफ्टर चार्ज ऑफ सैलरी ऑफ 10,000 पर मंथ। अच्छा तो सर 20,000 का इनका लॉस था, ठीक है, और ये लॉस सर सैलरी के बाद था तो सैलरी को ऐड कर लो, 10,000 इंटू टू पार्टनर इंटू 12 ये कितना हो जाएगा सर, 10,000 इंटू टू इंटू 12 ये आ जाएगा सर 2,40,000। इतने का रेम्यूनरेशन पे किया, इसको सर 20,000 से अपन कर लेंगे तो ये आ जाएगा सर 2,20,000 इसकी पहले इनकम हुआ करती थी। ये हमारा बेसिकली क्या निकल गया पता है? बुक प्रॉफिट। उसके बाद क्या बोल रहे क्वेश्चन में, 10,000 पर मंथ पे टू ईच ऑफ द वर्किंग पार्टनर एज ऑथराइज बाय द डीड द अमाउंट ऑफ डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द अमाउंट पेमेंट ऑफ सैलरी मेड टू द पार्टनर वाइल कंप्यूटिंग द इनकम ऑफ द फर्म फॉर द असेसमेंट ईयर। सर आपको बोल रहे मैक्सिमम रेम्यूनरेशन कितना मिलेगा, तो याद है हम पढ़ के आए थे सर फर्स्ट 3 लाख तक कितना होता है सर, या तो 1.5 लाख और 90%। तो सर इसका 90% करो, 2,20,000 इसका 90%, ये आ रहा है सर 1,98,000। तो सर ये दोनों में विच एवर इज हायर, तो हायर कितना है सर 1,98,000, मैक्सिमम रेम्यूनरेशन कितना मिल जाएगा सर 1,98,000, सिंपल। आगे बढ़ते देखो, द टोटल इनकम ऑफ द पार्टनरशिप फर्म जेवियर एंड कंपनी फॉर द असेसमेंट ईयर इज 8,15,000 अराइव्ड आफ्टर डिडक्शन अंडर 35AD 11 लाख 80IB 1 लाख एंड डोनेशन टू अ रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी बाय अ चेक। सर अगर ये डोनेट किए तो इनको डिडक्शन कहाँ मिल जाती है सर, डोनेशन की जो डिडक्शन मिलती है ये इनको मिलती है सर 80GGC GGB कंपनी के लिए होता है और GGC बाकी इंडिविजुअल वगैरह के लिए होता है। द एडजस्टेड टोटल इनकम ऑफ द फर्म, सर अगर एडजस्टेड टोटल इनकम आपको AMT के लिए निकालना है तो आप क्या करोगे सर, 8,15,000 प्लस सर 11 लाख क्योंकि 35AD की डिडक्शन नहीं मिलती सर अगर AMT कंप्यूट करो तो, प्लस 80IA से लेके 80RRB तक की कोई भी डिडक्शन नहीं मिलती तो ये भी नहीं मिलेगी 1 लाख। इसको ऐड करो ये कितना आ रहा है 8 लाख, अरे कैसे हो गया, हाँ 8,15,000 प्लस 11 लाख प्लस 1 लाख यार है सर 20,15,000। समझ आया बेटा दिमाग में, सिंपल। आगे देखो लास्ट क्वेश्चन है सर, शांतिनगर कोऑपरेटिव सोसाइटी हैज डिराइव्ड द फॉलोइंग इनकम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1/4/2021 to 2022। कोऑपरेटिव सोसाइटी सर याद रखना, मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस टू इट्स मेंबर, क्या ये आप ATP में क्लेम कर सकते हो? यस सर। इंटरेस्ट फ्रॉम मेंबर ऑन डिलेड पेमेंट, सर ये ATP में क्लेम नहीं होता है, ये टैक्सेबल है। प्रोसेसिंग विदाउट एड ऑफ पावर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस टू इट्स मेंबर, ये ATP में क्लेम हो जाता है सर। सप्लाइंग मिल्क टू द गवर्नमेंट रेज बाय द मेंबर्स, सर ये भी ATP में मिल जाएगा।
एजेंसी बिजनेस ये भी एटीपी में मिल जाता है, डिविडेंड फ्रॉम अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी ये भी मिल जाता है। तो आपसे सर पूछ रहा है टोटल इनकम ऑफ द सोसाइटी, टोटल इनकम ऑफ द सोसाइटी में सिर्फ ये जो एटीपी में नहीं मिलता यही आएगा सर। तो सर क्या आ जाएगा टोटल इनकम 2000। समझ आया सर? इतने क्वेश्चंस में अगर आपके लिए कर रहा हूँ, इतनी मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ, तो आपसे सिर्फ ये चीज चाहता हूँ कि आप इसको फ्रेंड्स तक शेयर करो और प्लीज इसको लाइक करो, क्योंकि बहुत लोगों को हेल्प होगी सर पास एग्जाम के क्वेश्चन से। ठीक है, चलो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ठीक है, तब तक थैंक यू, सब अपना ध्यान रखो और अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक, चलो, थैंक यू फ्रेंड्स।